और चंद्रयान वन ने फिर एक बड़ी खोज की है। इस बार चंद्रयान ने जो तस्वीरें भेजी हैं उनमें चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर 2 से 15 किलोमीटर तक बर्फ की पुष्टि हुई है। चांद पर पानी, चांद पर जीवन, चांद पर बस्तियां, चांद पर लोगों का टहलना, चांद की ठंडक महसूस करना। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब कोरी कल्पना भर नहीं है बल्कि जल्द ही हकीकत में भी तब्दील हो सकता है। और हमारे सपनों को हमारे चंद्रयान एक ने ही पंख लगाए हैं। चंद्रयान एक ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर बर्फ होने के साफ संकेत दिए हैं और ये बर्फ चांद पर बने गड्ढों में ही मिली है। नासा ने भी इस खोज को सकारात्मक बताया है और अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर मानव जीवन के बेहतर आसार हैं और चांद पर भेजे गए इस मिशन के शानदार परिणाम आए हैं। इसने हमारी सोच में क्रांतिकारी बदलाव किया है। टेक्सास में प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि चंद्रयान एक और उसमें लगे मिनी सार यंत्र से मिले नतीजों के आधार पर चंद्रमा पर करीब 40 ऐसे क्रेटर या गड्ढे मिलने के सबूत मिले हैं जिनमें 1 से 2 मीटर मोटी बर्फ जमी है और हर क्रेटर 2 से 15 किलोमीटर की परिधि वाले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके मुताबिक करीब 6000 लाख मीट्रिक टन बर्फ इन गड्ढों में हो सकती है। यही नहीं, इस बर्फ से यहाँ का तापमान -248 सेंटीग्रेड तक हो सकता है और ये प्लूटो की सतह से भी ठंडा हो सकता है। इन क्रेटर्स में अनुमान है कि 6000 लाख मीट्रिक टन वाटर आइस हो सकती है। इससे पहले चंद्रयान एक ने 6 माह पहले ही चांद की सतह पर पानी होने के भी संकेत दिए थे। उधर चंद्रमा पर खोज पर भेजे गए अमेरिकी मिशन एल क्रॉस ने भी चांद पर मिली बर्फ में हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट के मिले होने की जानकारी भी दी है। यानी अब आप चंदा मामा दूर के कहने की बजाय चंदा मामा से मिलने की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब चांद पर रहना संभव हो जाए। समय के लिए राजीव अस्थाना।